एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल, इट्स मी निदा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये इजी सा आई मेकअप लुक। सो इस आई लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने कोई भी मेकअप ब्रशेज या मेकअप टूल्स का यूज़ नहीं किया है। ये सारा आई मेकअप लुक मैंने अपनी फिंगर्स की हेल्प से किया है। यस, तो ये वीडियो उन गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो मेकअप ब्रशेज अफोर्ड नहीं कर सकती या जिनके पास मेकअप ब्रशेज अवेलेबल नहीं है। तो वीडियो हेल्पफुल हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दें ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड ऑल्सो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो ऑफ कैमरा मैंने अपने फेस पर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया था। अब मैं अपने आईलेट्स को प्राइम करूंगी आई शेडो के लिए। तो मैं यहाँ पे 7 Hemant का फोटोजेनिक कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। बिफोर यूजिंग कंसीलर मैं अपनी आईब्रोज को फिल इन करूँगी। तो मैं यहाँ पे VOV की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको आईब्रो फिल इन नहीं करना आती है तो इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उस वीडियो का आई बटन पे मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो उस पर क्लिक करके। सो आईब्रोज को अच्छे से फिल इन कर लूँगी। तो नेक्स्ट मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईलेट पे। तो मैं कोई ब्रशेस का यूज़ नहीं करूँगी, तो मैं सिंपली कंसीलर की ही हेल्प से अपनी आईब्रोज को शार्प कर रही हूँ। अब नेक्स्ट मैं इसे अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी। तो ये बहुत क्रीमी कंसीलर है, काफ़ी अच्छे से डार्क एरिया को कवर कर देता है, डार्क स्पॉट्स को। तो मैं सिंपली फिंगर की ही हेल्प से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ पे मैं कोई भी मेकअप स्पंज या फिर कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ लोटस का, और उसकी हेल्प से मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी ताकि क्रीज ना करे मेरा कंसीलर। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का आई शेडो पैलेट, और उसमें से मैं इस ब्रश को यूज़ करूँगी। तो ये ब्रश सभी के पास अवेलेबल होगा, आई थिंक ये ब्रश नहीं है, इसे कुछ और ही कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पे। तो मैं इससे अपने आउटर वी को पॉइंट करूँगी कुछ इस तरह से, एक जैसे आप विंग आईलाइनर ड्रॉ करते हो आपको सेम उसी तरीके से ड्रॉ करना है। और मैंने लिया है लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो, और इसे मैं अपने क्रीज लाइन में ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर दूँगी ताकि जो भी हार्श लाइन और एजेस हुए हैं वो अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाए। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से डार्क ग्रीन शेड पिक कर रही हूँ, और उसे भी जैसे आप विंग आईलाइनर ड्रॉ करते हो आपको सेम उसी डायरेक्शन में लगाना है आई शेडो को। अगेन मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरा आई मेकअप सॉफ्ट और वेल ब्लेंडेड दिखाई दे। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ये पर्पल शेड यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैट आई शेडोज़ हैं, इसे मैं अपनी क्रीज लाइन और जो बची हुई मेरी हाफ आईलेट थी वहाँ पर मैं इस पर्पल शेड को अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ब्लैक शेड। तो ब्लैक शेड आपको बहुत केयरफुली अप्लाई करना है। तो जैसे आप कोई लाइनर ड्रॉ करते हो आपको सेम उसी तरीके से ये ब्लैक शेड ड्रॉ करना है। बहुत ही टीनी मिनी सा अमाउंट मैंने ब्लैक शेड का लिया है। फिर मैं अपनी सबसे छोटी जो फिंगर होती है हैंड की, उससे मैं इस सॉफ्टली इस शेड को ब्लेंड आउट कर दे रही हूँ। तो आपको फिंगर की हेल्प से आप इजीली ऐसे ब्लेंड आई शेडोज़ को कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने सेम पैलेट में से ब्राउन डार्क ब्राउन शेड लिया है, और उससे ब्लैक शेड के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक स्मोकी लुक और एक अच्छा वेरिएशन क्रिएट हो। और अपनी क्रीज लाइन में भी आई शेडो को मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ सेम पैलेट में से वाइट कलर का आई शेडो, और उससे अपने आई शेडो को शार्प दिखा रही हूँ। जो भी मैसीनेस हुआ है उससे मैं क्लीन कर रही हूँ। सेम पैलेट में से मैं ये पर्पल शेड ले रही हूँ, और इसे भी अपनी फिंगर की हेल्प से हाफ अपनी आईलेट पर अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। तो आप मेटालिक शेड वैसे भी ईजिली फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करना मस्ट रहता है, तो मैं इसे फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद जो भी हार्श लाइन और एजेस हुए हैं मैं उसे ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, और इसे अपने आउटर वी पर प्लेस कर दूँगी और अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। फिंगर की हेल्प से भी सॉफ्ट कर लूँगी आई शेडो को। नेक्स्ट मैं सेम शेड जो मैंने क्रीज लाइन में अप्लाई किए थे वो सेम शेड्स को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर स्मच कर रही हूँ।
और उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर्स को सेम पैलेट में से गोल्डन शेड पिक करके अपने की इनर कॉर्नर्स एंड ब्रो बोन्स को हाईलाइट कर रही हूँ और अगेन फिंगर की हेल्प से ब्लेंड आउट कर रही हूँ ताकि कोई हार्श और एजेस ना दिखाई दे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का आईलाइनर और इसकी हेल्प से मैं एक थिन विंग लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। तो लाइनर कैसे लगाते हैं इस टॉपिक पर भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप देख सकते हो वहाँ से। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ MN का मस्कारा, इससे अपनी अपर एंड लोअर लैशेज को अच्छे से कोट कर दूँगी। ये जस्ट 100 रुपीज़ का आपको ईजिली अवेलेबल है। तो यहाँ पर मेरा आई मेकअप लुक कम्प्लीट होता है। आप चाहो तो इसे ऐसे ही कैरी कर सकते हो, बट ऑफ कैमरा मैंने लैक्मे का वाइट आइकॉनिक काजल अप्लाई किया है, वो क्लिप मुझसे मिस हो गई थी, और ऑफ कैमरा मैंने अप्लाई की है फॉल्स आईलैशेस। तो ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक एंड आई रियली होप आप लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो वीडियो हेल्पफुल हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दें ताकि आपसे मेरी वीडियो मिस ना हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, बी हैप्पी।